अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये अरवल जिले के करपी प्रखंड का चौहर पंचायत का एक कच्चा रास्ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कच्ची सड़क होने की वजह से यहाँ पर के स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी रास्ते के बस समीप में ही एक PSC अनंतगढ़ पड़ता है। खास तौर से इस PSC पे पहुंचने वाले ग्रामीण और मरीजों को इस रास्ते से गुजरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से ग्रसित कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लगभग 25 गांव के लोग हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। मैं भी इस रास्ते से कभी कभी आया जाया करता हूं। खासतौर से बरसात के मौसम में ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है और बंद हो जाने की वजह से इस क्षेत्र के ग्रामीणों को लगभग 6 किलोमीटर घूम करके तेलपा बाजार और करपी ब्लॉक मुख्यालय तक जाना पड़ता है। क्या समस्या है? रोड बहुत दिन से खराब है और बाजार जाने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग बरसात के समय में इतना दिक्कत होता है कि रास्ता में इतना कीचड़ हो जाता है कि हम लोग घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, और इमरजेंसी में कहीं अगर जाना हो मार्केट 6 किलोमीटर पूरा घूम के मार्केट में जाना पड़ता है। करपी हो या तेलपा हो, ये रास्ता बहुत दिन से खराब है और मैं ये सोच रहा हूँ कि कब ये रास्ता बने। ये आने जाने में दिक्कत होती है और आगे हॉस्पिटल भी है। क्यों आगे जाने में दिक्कत होती है? रास्ता बहुत खराब है। किस तरह का रास्ता? कच्चा रास्ता, मिट्टी भरा हुआ है। तो आप लोग चाहते क्या है? पक्की रोड हो जाए। मैंने इस समस्या को लेकर के यहाँ के प्रखंड उप प्रमुख से बात किया तो उन्होंने बताया कि हम लोग कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन आज तक ये रोड नहीं बनी। सर आपका शुभ नाम? मनोज कुमार सिंह। किस पद पे हैं आप? करपी उप प्रमुख हुए। तो सर यहाँ पे एक कच्ची रोड है जो अनंतपुर और बालागढ़ को जोड़ती है, तो बहुत दिनों से हम देख रहे हैं ये कच्ची रोड है, तो इससे इस समस्या के समाधान के लिए आप लोगों का क्या प्रयास है अभी? पर पिछले बार भी प्रयास हुआ था नरेगा के माध्यम से, लेकिन वो नहीं हो पाया। इस बार स्वयं हम 15वीं वित्त आयोग से इसको योजना में लिया गया है, जो देखिए कब तक चालू होगा। तो सर बरसात के पहले होने की संभावना है? तो देखा जा रहा है कि होगा, हो जाएगा तो सही है, लेकिन अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है विशेष। धन्यवाद। इस कच्चे रास्ते का बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आबादी का एक बड़ा हिस्सा इलाज के लिए यहां पर आता है और मेडिकल का लाभ उठाता है। हमने इस समस्या के समाधान के लिए एक एप्लीकेशन लिखा है और एप्लीकेशन लिखने के बाद हमने पत्र से यहाँ पे एप्लीकेशन पे साइन किया है। हम इस एप्लीकेशन को अभी व्हाट्सएप के माध्यम से उप प्रमुख जी को भेजेंगे ताकि रोड जल्द से जल्द बनाया जा सके। हमने व्हाट्सएप के माध्यम से उप प्रमुख जी को आवेदन भेज दिया है ताकि वो रोड बना सकें। चौहर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रविंदर गोप जी से भी लगातार हमने बात किया कि ये रोड बनाई जा सके। इसके लगभग 1 महीने के बाद उप प्रमुख ने अपने योजना में इस रोड को लिया और योजना में लेने के बाद इस रोड का काम शुरू हुआ। लगभग 1 महीने तक ये काम चलता रहा और 1 महीने में ये रोड बनकर के तैयार हो गई। आज यहाँ पर के लगभग 50,000 लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में आने जाने में सहूलियत हो रही है। सर एक समस्या थी जो बालागढ़ जो रोड है वहाँ पे कच्ची थी लगभग 50 साल से, जिससे समस्या उत्पन्न हो रही थी, इसको लेकर के कई बार आपसे हमारी बातचीत हुई थी। तो वहाँ पे सर हमने वीडियो भी बनाया था और उप प्रमुख जी से मिल करके हमने वहाँ पे चर्चा की थी, तो सर ये समस्या का समाधान हुआ था, कैसे हो पाया और इससे क्या लाभ होगा? देखिए सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने उस ज्वलंत समस्या को हम लोग के बीच में आप रखे, इसके लिए आप धन्यवाद की बात है। दूसरी ओर कहना है कि वो चौहर पंचायत और पुरान पंचायत का एक जोड़ने वाली बहुत कच्ची सड़क थी, जर्जर स्थिति में थी और वह इतना महत्वपूर्ण था कि वह कम से कम सहतेलपा में चौहर आपको बेलखरा ये सब पंचायत के जोड़ करके और अरवल जिला जो जिला के जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता, सबसे आपको बड़ा नथु होकर के सीधे डायरेक्ट भदासी निकलती थी वो रोड, और उस छोटा सा पथ के चलते वो हम लोग उस जिला से कटे हुए रहते थे। तो इसको गंभीरता से लेते हुए हमारे माननीय करपी प्रखंड प्रमुख संगीता देवी के अथक प्रयास और हम लोग का सहयोग के
चौहर पंचायत और पुरान पंचायत और खास करके पंचायत समिति के प्रधान मनोज यादव के द्वारा यह हम लोग को प्रयास किया गया और पंचायत समिति की बैठक में सबसे प्रथम योजना यह ली गई कि जिला को जोड़ने वाली जो पथ है पुरान और चौहर के बीच आनंदपुर टू बालागढ़ पथ को सबसे पहले उसको पीसीसी के माध्यम से उसको जोड़ा जाए ताकि आने जाने के लिए जो दूरी कम से कम 5-7-10 किलोमीटर कम जाएगा जिला जाने में लोगों को, वो कम से कम सहतेलपा और अरवल जाने के लिए जो मुख्य सड़क था जो कटे हुए लोग रहते थे उसको जोड़ने के लिए सबसे पहले उस योजना को लिया गया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रमुख कल्पी संगीता देवी पंचायत समिति उप प्रमुख मनोज यादव जी को कि इन्होंने सबसे पहले योजना को लेकर के इनको कार्यान्वित करने का काम किया। धन्यवाद। रोड बन गई, प्रॉब्लम यह था कि पहले रोड कच्ची थी, अब उसमें वीडियो बनाए थे आप और उस एप्लीकेशन दिए थे उप प्रमुख को और मुखिया को और दिए और उस पर काम हुआ, रोड बन गई है। अब रोड बनने से क्या फायदा है? रोड बनने से बहुत फायदा है, गांव वाले को भी फायदा है, हम लोग रोज गांव में जाना जाना करते हैं। यहाँ पे क्या समस्या थी? समस्या यहाँ थी कि पहले कच्चा रास्ता था, आने जाने में हम लोग को बहुत परेशानी होता था। अभी क्या स्थिति है? अभी ये बन गया है, पीसीसी हो गया है। ये पीसीसी कैसे हुआ? और ये पीसीसी आपने इस पर वीडियो बनाया था और वीडियो बना के एप्लीकेशन लिखा और उप प्रमुख को जाके ये एप्लीकेशन दिया और उन्हीं के द्वारा ये पीसीसी बना। तो अभी क्या फायदा हो रहा है? फायदा हम लोग आने जाने में जो परेशानी होती थी अब नहीं हो रही है, हम लोग आराम से मार्केट जा रहे हैं, बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, सभी लोग अब अच्छा जा पा रहे हैं। हम और हमारा समुदाय तहे दिल से उप प्रमुख मनोज सिंह यादव जी, मुखिया प्रतिनिधि रविंदर गोप जी को तहे दिल से बधाई देते हैं जिन्होंने जनता की समस्या को समझ करके सबसे पहले प्राथमिकता में ये रोड को बनवाने का काम किया। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं SM जफर, जिला अरवल, राज्य बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।